नीतीश कुमार की विपक्षी एकजुटता के हुए 48 घंटे भी नहीं बीते कि उसका असर दिखने लगा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की, जिन्हें विपक्षी एकता पर अब कई सवाल खड़े कर रहे हैं। तस्वीर देखिए, राजधानी पटना में इनकम टैक्स गोलंबर के पास लगी है, जहां आम आदमी पार्टी और उसका सिंबल अरविंद केजरीवाल की फ़ोटो और अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तस्वीर। संजय सिंह सांसद हैं राज्यसभा से, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली, अजयेश यादव बिहार चुनाव प्रभारी सब विधायक भी हैं, दिल्ली में रहते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो तस्वीर लगी है और जो लिखा है कि पहले करो समर्थन अध्यादेश का, तब समर्थन करेंगे विपक्षी एकता के जनादेश का, यानी कि इन्होंने जो शर्त रखी थी वो शर्त अब साफ तौर पे देखने को मिल रही है। और ये शर्त अरविंद केजरीवाल ने आते के साथ रखी थी। अरविंद केजरीवाल भगवंत मान ने कहा कि अगर अध्यादेश का समर्थन करेगी पार्टियां तभी कुछ संभव होगा और तभी जनादेश के विपक्षी एकता का जो है हम समर्थन करेंगे। अरविंद केजरीवाल एक दिन पहले पहुँचे थे, उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की, तमाम दलों के नेताओं से बातचीत की और उसके बाद जब विपक्षी एकजुटता के साथ साथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए समय निर्धारित किया गया तो उससे पहले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जा चुके थे, यानी पटना से निकल चुके थे। उसी वक्त ऐसा कयास लगाया गया कि कहीं ना कहीं बात नहीं बनी है, लेकिन फिर भी दबी जुबान से सबने कहा कि नहीं, सब लोग एक साथ हैं। बाद में साफ तौर पर ये तस्वीर अब ये कहने के लिए काफ़ी है कि कहीं ना कहीं विपक्षी एकजुटता से अरविंद केजरीवाल अब बुरी तरीके से अलग हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि विपक्षी एकजुटता की जो हवा है वो अरविंद केजरीवाल ने निकाल दी है। रही सही कसर, आने वाले कुछ दिनों में कुछ और पार्टियां अपने शर्तों पर निकाल देगी। क्या होगा विपक्षी एकजुटता का और क्या होगा नीतीश कुमार का भविष्य, यह अभी भविष्य के गर्भ में है। ऐसे में इंतज़ार करना होगा कि पटना में न जाने और कितने पोस्टर इसी तरीके से विपक्षी एकजुटता के ऊपर सवाल खड़े करेंगे। सहयोगी चंदन तिवारी के साथ कुमार गौतम, News 22 स्कोप पटना। झारखंड बिहार की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए News 22 स्कोप अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से News 22 स्कोप ऐप।